हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद सुखराम परिवार का राजनीति में कद और ऊंचा हो गया है। जब सुखराम परिवार ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सुखराम का व्यक्तित्व तौर पर जो जनाधार है वह कम नहीं हुआ है। भाजपा ने मंडी जिला में 10 में से 9 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है, लेकिन कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सुखराम इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया जनता ने उसे अपना बहुमत देकर इतिहास रचा है। ये जनता जनार्दन को श्रेय जाता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और मंडी जिला के लोग मैं उसी पार्टी को मतदान दिया और ये 9 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में चल दी है। वहीं अनिल शर्मा को भी अब कांग्रेसी नेताओं को जवाब देने का मौका मिल गया है। कांग्रेस छोड़ने पर कई बातें उठी थी ताकि सुखराम और उनके परिवार को बैकफुट पर लाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अनिल शर्मा ने पार्टी बेशक बदल दी, लेकिन सदर की जनता ने अपना प्रतिनिधि नहीं बदला। अनिल शर्मा अब कांग्रेस को उनके जाने के बाद हुए नुकसान का आंकलन करने की सलाह दे रहे हैं। हर जिले के अंदर कांग्रेस की एक या दो सीट कहीं न कहीं आई होगी, परंतु एक जिला मंडी है जहां एक भी सीट कांग्रेस बचा नहीं सकी। तो आज भी यदि पंडित सुखराम जी का जादू की बात मैं कह सकता हूं कि पंडित सुखराम जी का वर्चस्व आज यदि मंडी पार्लियामेंट हल्के में रहा है तो उसमें मात्र किन्नौर सीट कांग्रेस ले सकी, रामपुर ले सकी और कुल्लू ले सकी, बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के जो है कैंडिडेट जीते हैं। तो इसलिए कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है इसका आंकलन जो है कांग्रेस को करना चाहिए। वहीं कांग्रेस अब इस बात को लेकर समीक्षा करने के मूड में है, क्योंकि प्रदेश में चाहे भाजपा की जितनी भी लहर रही हो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंडी जिला से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा ना पहुंचा हो। जिला के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए और अब कांग्रेस इसी बात को लेकर समीक्षा करने जा रही है कि इतने ज्यादा नुकसान का कारण क्या रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौर सिंह ठाकुर ने भी कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते सुखराम का क्या रोल रहा है। निश्चित तौर पे है कि सुखराम भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सुखराम तो अछूत है, सजा हो चुकी है उनको 3-3 साल की भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन फिर भी सुखराम उनके बेटे और उसके पोते को भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोद में बिठाया है और यह पार्टी कांग्रेस का मंत्री होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। इस बात पर भी समीक्षा करेंगे कि इसका क्या कारण रहा है।